आज हम आपको बता दें, अंबाला सिटी और शंभू बॉर्डर के बीच गांव हीरानगर के पास रेलवे लाइन पर सुखवीर नाम के एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया और परिजनों के बयान पर अगली कार्रवाई भी की जाएगी। शुरुआती जांच में सुखबीर की मौत मालगाड़ी की चपेट में आने से हुई। वहीं परिजनों का आरोप है कि सुखबीर पर व्यक्ति द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। इसी संबंध में उन्होंने थाना नंगल में शिकायत दी थी। पुलिस मामले को सुलझाने में जुटी हुई है। परिजनों ने 16 सितंबर को थाना नंगल में पुलिस को शिकायत सौंपी थी। शिकायत में गोविंदगढ़ निवासी करणवीर सिंह ने बताया था कि 13 सितंबर को उसका भाई सुखवीर घर से लापता हुआ था और उस पर किसी व्यक्ति ने दबाव बनाया हुआ था। आरोप है कि व्यक्ति ने सुखवीर सिंह को नया सिम कार्ड भी दिलवाया था और उसके खाते से 50,000 रुपये निकलवा लिए थे। उन्होंने 14 सितंबर को व्यक्ति से बात की और उसने उसके भाई को 15 सितंबर की सुबह घर वापस लाने के लिए कहा था, लेकिन जब वह वापस नहीं आया तो थाना नंगल में शिकायत दी गई और नंगल थाना प्रभारी विक्रांत सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में लग गई थी और परिजनों के बयान पर मामला दर्ज भी किया गया था। तो मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शर्मा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सटीक बात न्यूज़।